चली है कि भाई इधर घोटाला तो शुरू से ही था, लेकिन बाद में हमने सोचा चल कोई बात नहीं कंप्लीट हो जाए एक बार, लेकिन फिर कंप्लीट का तो वो काम ही रुक गया उधर ही। अच्छा, हम पहुंचे हैं टोहाना के वार्ड नंबर 17 में, न्यू एंक्लेव के नाम से भी इसे जाना जाता है, और आपको दिखाने आए हैं इस क्षेत्र का विकास। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है यहाँ की गलियों का विकास, जो एक साल से इतनी तरक्कियों पर है कि आने जाने वाली गाड़ियां भी बड़े अच्छे से जाती होंगी, बारिश के दिनों में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं होगी इनको, जहां तक यहां के हालात मुझे देखकर लग रहा है। तो जानेंगे यहां के नागरिकों से, जानेंगे इनकी क्या समस्या है और क्या क्या विकास यहां पर हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुंशी राम है जी। सर क्या बताएंगे आप, जो आपकी गलियों की जो हालत है इसको देख कर क्या कहेंगे आप? इन गलियों का काम एक साल पहले शुरू हुआ था और एक मंजूरशुदा प्लान के तहत गलियों का कार्य बनना शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ इस गलियों में रेता डाल के काम बीच में छोड़ के चले गए एजेंसी, जिसका भी है ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है, और अब रेत और खड्डे हमारी गलियों में, कोई आने जाने का कोई रास्ता नहीं है प्रॉपर। बारिश के दिनों में दिक्कत होती है? बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कीचड़ जो है घरों के अंदर तक आता है और आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। जो ये टेंडर था कब पास हुआ था और कब, मतलब किसे पता है आपको ठेकेदार कौन है इसका? अब ठेकेदार का नाम तो मुझे मालूम नहीं, अगर मैं नहीं बता सकता कौन है, लेकिन जो भी है वो बीच में छोड़ के चले गए हैं। जी सर। जी तो कंप्लेंट नहीं करी आपने? कंप्लेंट की है हम सीएम विंडो से, हमने 1.5 महीने से पहले कंप्लेंट की है सीएम विंडो पे, डाली एप्लीकेशन गलियों की और बिजली की समस्याओं की, दो अलग अलग एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। जी सर। और लोगों से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम क्या है? ईश्वर सिंह है। तो सर आप बताएं कि और क्या क्या दिक्कत है? एक दिक्कत इन्होंने बताया कि रोड नहीं हमारा बना है। हाँ, रोड की प्रॉब्लम है। जी सर। बिजली की हालत भी इतनी बढ़िया नहीं है, देखो आप पोल वो कैसे FZ-way में खड़े हुए हैं। कैमरामैन को कहना चाहूंगी कि पोल्स एक बार जरूर दिखाइएगा जब भी आपको लगे, उधर पोल्स हैं जो अभी तक अधूरे लटक रहे हैं। बिजली विभाग अपना काम जो है ना बीच में ही तारें छोड़ के, कुछ घरों में तो लगाई, कुछों में बीच में छोड़ के चले गए, जिससे जितने भी आगे रेजिडेंट ऑलमोस्ट वो बेचारे बुरी तरीके से सफर रहे हैं। जी सर। और इसकी बिजली विभाग को शिकायत भी की, सीएम विंडो में भी डाली, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। किसकी कमी की वजह से लग रहा है सर आपको? ये तो प्रशासन की कमी है जी इसमें, और तो किसकी कमी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, चाहे नगर परिषद के अधिकारी हैं, और बस उन्हीं के लेवल का काम है ये, उन्हीं की कमी है। जी सर। और लोगों से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। और इन्होंने बोला भी सीवरेज की। बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैम जिस टाइम ये गलियां पक्की होने की शुरुआत हुई थी, मिट्टी डली थी, उस टाइम इसके नीचे पाइप लगाई गई थी। जी सर। लेकिन कुदरती ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो कार्रवाई इस तरह की होती है, ये मिट्टी डाल के पता नहीं कब डाल के गए, पाइप लगा के चले गए, लेकिन कुदरती बारिश आ गई उसी रात को और वो मिट्टी एकदम नीचे धस गई, और तब पता चला हमें कि नीचे जो पाइपें लगा रखी हैं बिल्कुल क्रैक हैं, उसकी प्रॉपर वीडियोज भी हैं, वो आप देखोगे तो, यानी कि ये तो मान के चलिए कि भाई इधर घोटाला तो शुरू से ही था, लेकिन बाद में हमने सोचा चल कोई बात नहीं कंप्लीट हो जाए एक बार, लेकिन फिर कंप्लीट का तो वो काम ही रुक गया उधर ही। अच्छा, तो घोटाले का अंदेशा यहाँ लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि जो पाइपलाइन से बिछी थी वो ऑलमोस्ट क्रैक थी, तो इतना जो घटिया मटेरियल यूज किया जा रहा था इनसे बिना पूछे और रातों रात वो काम कर दिया। रातों काम हो गया था, पाइप दब गई थी, लेकिन बारिश आ गई और बारिश की वजह से मिट्टी धस गई, और उसी वजह से हमें पता चला कि भाई ये पाइप यहाँ से टूटी हुई है, नहीं तो पता भी नहीं चलता, सही पूछो तो। जी सर। सर आप क्या कहेंगे, कितने टाइम से सफर कर रहे हैं इस चीज को? मैं एक साल से सफर कर रहा हूँ, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरा मकान वहाँ पे है, और वहाँ पे जो वायरिंग है ना बिल्कुल नीचे आ गई है मेरे गेट के ऊपर, मतलब कोई भी हाथ लगा सकता है ऐसे, मतलब इतना कुछ है, और जैसे गलियां कच्ची होने की वजह से जैसे सांप वगैरह है तो रात को घर पे भी घुस जाता है सांप वगैरह, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों वगैरह को कभी कुछ भी हो जाएगा तो प्रशासन क्या करेगा, इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा प्रशासन। आपके वार्ड के MC कौन है? MC मिट्टू जी की वाइफ है। उनको आपने बोला है कि मैम हमने सीएम विंडो में हमने बोल लिया, SDM ऑफिस में हमने बोल लिया, बबली जी को हमने बोल लिया, जो भी मंत्री बदले के आए हैं यहाँ पे, लेकिन किसी के मतलब सब एक दूसरे ऑफिसर को बोल देते हैं बट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ। मंत्री जी ने बोला है कि अभी विकास होना भी शुरू होगा। हाँ, अभी बोल रहे हैं अभी करेंगे, बट
अभी हम लोग तो एक डेढ़ साल से देख ही रहे हैं, चलो अभी उनकी भी वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि कोई हमारी चेन लेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन गलियां हैं, तो तीन गलियों के लिए तो कोई प्रशासन आएगा नहीं हमारी सुनने के लिए। हाँ, वो तो तब आएंगे जब इनको वोट वगैरह लेने होंगे, तो जरूर आएंगे। वोटों का मुद्दा आपने सही उठाया कि जब क्योंकि वोट लेने आएंगे तब तो आएंगे ना हमारे पास, फिर हम लोग दिखाएंगे उनको भी ये है आप वोट किस हक से लेने आए हो हम लोगों को। तो अब हार के फिर आपने मीडिया का सहारा? हाँ, हमने बिल्कुल हमने मीडिया का सहारा लेना ही उचित समझा, क्योंकि हमारी और कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे। और जो मेन मैटर है मैम, जो एक डेढ़ साल पहले जो आया है, जो रियल मैटर है वो ये है, जिसने इसका टेंडर लिया था उसने कुछ कमा के पता नहीं कैसे अगले को टेंडर दे दिया, उसने अगले को दे दिया, सब अपने पैसे खाए और बस निकल गए, जो ये सच्चाई है यहाँ की। ठीक है, काम ये हुआ है, काम देख लीजिए आप एक बार, काम देखो आप, ये काम है, ये काम इसका है, कोई प्लास्टर देख लो आप, कोई प्लास्टर हो तो आप, ये सीवरेज बहुत टाइम हो गया, ये नहीं है कि आजकल में सीवरेज सीवरेज बैक मारता है, बैक मार के पानी घरों में घुसता है गंदा पानी। अगर ये मेन होल नहीं थे तब पानी तो नहीं आता था बाहर, अब ये मेन होल बनाए तो सीवरेज का बाहर से पानी आता है, बैक मारता है, ये यहाँ गंद फैलता है इतना बहुत ज्यादा, जिससे बीमारियों का बीमारी बिल्कुल बीमारियां तो घर में त्रेड़ आ गई हैं। जी सर, तो मतलब आपके घर को भी नुकसान? हाँ, घरों को भी नुकसान। तो आप सभी अभी बहुत सारे हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, और आप सभी से कहना चाहूंगी कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि आम नागरिक की समस्या हमारी समस्या है और उसको उठाने का मकसद हमारा हमेशा रहता है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारी पब्लिक से, क्या कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द क्या कुछ किया जाए आपके लिए? पब्लिक से ये कि एकजुट होकर संघर्ष करें और प्रशासन पे प्रेशर बनाएं, मंत्री हैं टोहाना के अच्छे काम करने वाले बता रहे हैं, वो हमारी कॉलोनी की भी सुध लें, अधिकारियों को कहें आदेश दें, इस तरह का कहाल तो शहर में कहीं नहीं है। हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी का टैक्स दे रहे हैं, लाइट्स का टैक्स। प्रोफेशन क्या है सर आपका? मैं नौकरी करता हूँ। जी सर, आप भी सर? नहीं। ओके, तो आप टैक्स पेयर्स हैं और इतनी उम्मीद तो करते हैं गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल करते हैं, हर तरह के टैक्स दे रहे हैं, लेकिन काम हमारा हो नहीं रहा है। तो जल्द से जल्द हम यही उम्मीद करते हैं इस वीडियो के देखने के बाद बिजली कर्मचारी और जितना भी ये रोड को संभालने का महकमा है और हमारी सरकार, हमारे मौजूदा विधायक जी जो मंत्री बन चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इनकी समस्या का निदान किया जाए, इनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इसी टोहाना के निवासी हैं जिन्होंने हमें सर आंखों पर बिठाया है। तो इनकी समस्या का निदान जल्द से जल्द होना चाहिए। तब तक बने रहें हमारे साथ। राम राम।